ये मेरी देवरानी व्हील करके आ रही है दूध निकाल के। चाची लोग बर्तन धो रहे हैं और हम नहीं धो रहे, ये कलयुग का जमाना आ गया देख लो। यही रास्ता है आपका, क्या चाहिए तुझे? बिस्कुट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है गांव में हमारा दूसरा दिन, डे टू। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे पिछले व्लॉग से पता चल ही गया होगा कि हम गांव पहुंच गए हैं, और आज मैं फिर वहीं से ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूं। हमने साथ में बैठ के पूरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करी, साथ में बैठ के खाना खाया, और क्या क्या हमने फन किया है ये आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे सब्जी कट रही है रात के खाने के लिए, पापा जी लोग सब्जी काट रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आज पूरे गांव का खाना ना हमारे घर में ही है रात को, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी सब्जी काटी जा रही है। और हम भी अभी आए हैं जस्ट, तो बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, इसलिए हमें भूख भी बहुत लग रही है। तो अभी चलो हाथ वाथ धोते हैं और फिर खाएंगे खाना। और ये देखो, हेयर स्पा लिया जा रहा है यहाँ पे। किसी को ये सर्विस लेनी है तो चाची जी से संपर्क करें। चाची जी दे रही यहाँ पे हेयर स्पा। क्या हो गया था चुन्नी? यहाँ पे मम्मी लगा रही है खाना सबके लिए नीचे बैठ के। पहाड़ों में ऐसे नीचे बैठ के खाना खाने का भी मजा लग ही होता है। ये देखिए, अभी नीचे बैठो माशू, नीचे बैठो चप्पल खोल के। और यहाँ पे यू भी फर्स्ट टाइम गांव आया है, तो वो देखो कितना एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए, खाना खा रहे हैं। हाँ खा रही हूँ मैं। ये देखिए दाल चावल। और हम बैठ गए खाना खाने के लिए। ये तो शेफ बनेगी, ये ताज की शेफ बनेगी। क्या सारा खाना बहुत टेस्टी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ रखे हम खाना खाने के लिए सबके सब, और यहाँ पे बना है भात दाल और मूली की थिंचवाणी। और फ्रेंड्स, सच में ये इतना टेस्टी हो रहा था ना कि मतलब हमारा पेट भी भर गया था, फिर भी हम खाए जा रहे थे ठूस ठूस के। और बहुत ही ज़्यादा स्वाद हो रहा था इस खाने में, क्योंकि गांव के खाने में ना यहाँ के पानी में इतना स्वाद होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला ना भी डालो तब भी उसमें अपने आप भी इतना अच्छा स्वाद आ जाता है। और ये देखिए माशूर अभी भी मज़े लेके खा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी और बुआ लोग भी बैठ रखे हैं खाना खाने के लिए। ये इतना अच्छा खाना था कि दोबारा लेना पड़ रहा है। चाची लोग बर्तन धो रहे हैं और हम नहीं धो रहे, ये कलयुग का जमाना आ गया देख लो। ये देखो वही तो, कल धोएंगे ना हम, कल धोएंगे आज, आप आज हम थक रखे हैं ना। और ये देखिए हमारा सुंदर सा गांव, कोयल गांव। और अभी यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा हरियाली हो रखी है। और अभी मैं आपको छत से दिखाती हूँ इसको फिर से। छत में चलो ना, इससे भी ऊपर छत में, नॉट फर्स्ट, ये सेकंड फ्लोर है। माय गॉड, ये देख रहे हो ना राजा महाराजों वाले वो हैं सोफे। वाह वाह, ओह माय गॉड, ये देखिए एक रूम ये है, फिर यहीं से यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं नीचे जाने के लिए। वाह, जिसने ये बनाया था उसके पापा जी ने हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसा घर ना बने। तो चलो अभी चलते हैं छत पे और वहाँ का भी नज़ारा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर वाली छत है जो पहले चलती थी फ्रेंड्स, तो वहाँ से सच में बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। हम छत में, और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की छत कैसी है। यहाँ की छत ना बिल्कुल पत्थर वाली बनी हुई है जो कि पहले चलते थे, और यहाँ पे हाइट भी बहुत कम है, तो यहाँ पे कोई ना सीढ़ी वीढ़ी भी नहीं जाने के लिए, बस फटाला रखा हुआ एक उसी से चढ़ लो, वो साइड में रखा है जो। तो पहले मैंने सोनी को कहा तू जा, रिस्क क्यों लेना भाई, है ना, तो पहले ये गई, तो उसके बाद अब मैं जाऊंगी। ये देखो हम ऊपर आ गए, ये देखो यहाँ की छतें ना ऐसे होती हैं पत्थर की।
और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, मतलब यहाँ बैठ के इतनी शांति मिल रही थी और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई और रील शूट करी। और क्योंकि हम ऊपर बैठे हुए थे तो हमें देख के फिर ये सभी लोग भी ऊपर आ गए कि हमें भी ऊपर जाना है। तो यहाँ पे फिर अब्बू और माशू यहाँ पे चढ़ रहे हैं। चलो जाओ जाओ, नहीं रोगे, जाओ जाओ, मैं भी उसी में आई थी। ये देखिए यहाँ छत में जा रहे हैं, ये चले गया। अब माशू की टर्न है। अरे वाह, इधर देखो। और फिर हम सब जब ऊपर थे तो फिर दी लोग भी ऊपर आ गए। वैसे तो यूवी का मन नहीं कर रहा था बट फिर हमें देख के वो भी ऊपर आ गया। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ यही रास्ता है यहाँ का, नहीं टूटेगा, पर आपको चढ़ना पड़ेगा। आएगा यूवी, ये लो मम्मी के पास। मम्मी के पास बोला नहीं यहाँ पे। मम्मी मम्मी आराम से जाते, इधर नाचना मत आए। शाम के बज रहे हैं 5 और ये देखो चाय बिस्किट के साथ। चाय कैसी हो रही है? बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 5 और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और ये फिर से आ गए देखो, चाय विद अ व्यू। कभी देखा है ऐसा? क्योंकि अभी दिल्ली वाली बुआ की बेटी की शादी है तो यहाँ पे फिर सब वही डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन जाने वाला है वहाँ पे। उसके शादी में जाने के लिए कपड़े नहीं है ना। पूजा की शादी के लिए इसमें कपड़े नहीं है, है ना? पूजा की शादी में इसमें कपड़े नहीं है। मैंने इसको तो जो लूंगा छाने की मैं दूंगा तुझे। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर बाद में फिर आप बोल नहीं सकते कि मैंने नहीं बोला था, रिकॉर्ड है ऑन कैमरा। 14 तारीख को मिलेंगे, जो छाड़ेंगे ना उसके पैसे मैं दूंगा। पक्का? चलो फिर तो मैं आ रही हूँ शादी में। बस तेरे को बोल दे मैंने गिफ्ट में जरूर। यहाँ पे गिरने का डर है, यहाँ पे मत कूद जाइयो, गिर जाएगा। और फिर यहाँ पे हो रही है शाम की तैयारी खाना बनने की। तो यहाँ पे भैया जी आटा गूंद रहे हैं इतना सारा। सो फ्रेंड्स, हम पहाड़ियों में यही खास बात होती है कि यहाँ पे सब ना मिल बांट के ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जना करेगा, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसको जो काम करना है वो कर सकते हैं आराम से। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और फिर शाम को यहाँ पे अब रोटी बनाने के लिए चले गए हम लोग। यहाँ पे गांव की जितनी भी लेडीज़ थी सब मिल बांट के यहाँ पे हम सब रोटी बना रहे हैं। और फिर ये लोग अपने अपने घर ले जाएंगे, जितने जितने उनके घर में मैं फैमिली मेम्बर हैं उसके हिसाब से ये लोग अपने घर ले जाएंगे खाना। तो ये देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं रोटी। सो दगड़ियों, आप में से जो भी उत्तराखंड अच्छे हैं या उत्तराखंड का भैर कभी छे, तो आप प्लीज मेरे को जरूर कमेंट करें कि आप लोगों का यक भी यन प्रथा छे कि नीचे साथ मिली रोटी पकाने की। और हम थे चूलम रोटी पकान आदि नीचे तब भी जबरदस्ती बैठे छे हम फोटो खिंचाने को लग गया था। और एक मेरी रील का चक्कर, एक ही रोटी धनी तो होगा फटाड़ो भी नहीं छोगी कभी, मेरी वीडियो खराब नहीं हो जाए। बट जोक्स अपार्ट गाइस, सच में ऐसे मिलके एक साथ रोटी पकाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ऐसा नहीं कि मैं जस्ट वीडियो के लिए सब कर रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो हम गांव जाते थे उस टाइम, वहाँ पे भी ऐसी मतलब मिलके ऐसे रोटी पकाते थे। तो मैं पूरा अपने वही फ्लैशबैक में चली गई थी, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर और अब हो गई है रात और यहाँ पे हम लोग फिर रात को बाहर ही खाना खा रहे हैं सब लोग मिलके। ये देखिए अब रात हो चुकी है और अब यहाँ पे सब डिनर कर रहे हैं और आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों में कैसे होता है डिनर। ऐसे सब नीचे बैठ के एक साथ यहाँ पे डिनर करते हैं। और सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। सो नेक्स्ट डे हम गए फिर दीदी की छन्नी में जहाँ की गाय को बांधा जाता है और वहाँ फिर मैंने दूध निकाला गाय का, पहली बार ट्राई किया। सो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा बोर ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।